हेलो बेटा, जय श्री कृष्णा। नए एपिसोड के साथ मैं एनकेटी आ गया हूँ आपकी क्लास में। आपको पढ़ाना है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है ह्यूमन में दो तरह का है, एक है एग्जोस्केलेटन, दूसरा है एंडोस्केलेटन। दोनों आप पहले समझे, स्केलेटल सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ। तो ये देखिए, मैंने हेडिंग डाली है स्केलेटल सिस्टम। ये दो तरह का है, एक होता है एग्जोस्केलेटन, ये एग्जोस्केलेटन होता है, और इसका दूसरा जो टाइप है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो अगर आप एंडोस्केलेटन के बारे में देखें, तो इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे आप, डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस से डेवलप होता है, मतलब जो हमारी बॉडी की सबसे अपर लेयर है, स्किन की सबसे अपर लेयर है, जो स्किन हमारी है उसकी सबसे अपर लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, और वहां से जो है एग्जोस्केलेटन की ओरिजिन होती है। देखिए, डेवलप्ड फ्रॉम एग्जोस्केलेटन, लाइक देखें आप, नेल्स जो हो गए हमारे एग्जोस्केलेटन है, क्लॉज जो है ये एग्जोस्केलेटन है, ये देखिए फेदर्स इसको एग्जोस्केलेटन है, ये देखिए फेदर्स, और आप देखिए एग्जोस्केलेटन में क्या आता है, हूफ्स आते हैं, ये देखिए हॉर्न्स आते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर है जो एग्जोस्केलेटन बनाते हैं। आपको ये समझना है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि एग्जोस्केलेटन की जो ओरिजिन है, अगर इसकी ओरिजिन देखा जाए ह्यूमन के केस में, तो इसकी ओरिजिन जो है इक्टोडर्मल है, मतलब ये जो ऊपर आप नाम देख रहे हैं इन सब की ओरिजिन जो है एक्टोडर्म से होती है। लेकिन अगर हम लोग फिश के एम्फीबियंस के ये देखिए रेप्टाइल्स के एग्जोस्केलेटन को देखें, इनका जो एग्जोस्केलेटन है ये देखिए, जैसे फिश में अगर आपने पढ़ा है तो फिश में स्केल्स जो हैं वो एग्जोस्केलेटन है, ये स्केल ही तो पाए जाते हैं उसकी सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे। तो इनके जो एग्जोस्केलेटन है, इनकी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है, मतलब आपको समझना है मेसोडर्म से है। कि हम लोगों के एग्जोस्केलेटन की ओरिजिन जो है किससे है, एक्टोडर्म से है। और एक बात और ध्यान रखें, जो एग्जोस्केलेटन होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है। आप ध्यान से देखें, जितने नाम लिखे गए हैं इन सारे नेम्स में कोई भी स्ट्रक्चर लिविंग नहीं है, चाहे वो नेल्स हो, चाहे वो क्लॉज हो, फेदर्स हो, हूफ्स हो, हॉर्न्स हो, सबके सब नॉन लिविंग होते हैं। मतलब हमारा एग्जोस्केलेटन एक्टोडर्म की ओरिजिन से है और ये नॉन लिविंग है। इसका दूसरा अगर आप टाइप देखते हैं तो वो है एंडोस्केलेटन। ये देखिए एंडोस्केलेटन, ये अब एंडोस्केलेटन लिखा है तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। एक तो ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, बोलो हाँ, प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। दूसरी ओरिजिन, अगर इसकी ओरिजिन आप देखते हैं तो इसकी ओरिजिन जो है मेसोडर्मल ही ओरिजिन है। ये देखिए इसकी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म से है, मतलब जो एंडोस्केलेटन है इसकी ओरिजिन मेसोडर्म से है। आपको ये बात सीखनी है। देखिए ये और इनसाइड बॉडी पड़ा हुआ है, ये हमारा एंडोस्केलेटन, तो इसकी ओरिजिन मेसोडर्म से है और इसकी जो ये हमारी बॉडी के अंदर पड़ा है। अगली बात देखिए, जितना भी एंडोस्केलेटन होता है ये लिविंग होता है, ये लिविंग होता है। अब आपको एग्जोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में तो पहला डिफरेंस यही आ गया कि वो नॉन लिविंग होता है और ये क्या होता है, लिविंग होता है। और इस एंडोस्केलेटन में दो चीजें होती हैं, एक होता है बोन्स, ये देखिए पहली होती है बोन्स, और इसका दूसरा जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। ये देखिए कार्टिलेज, ये बोन्स और कार्टिलेज अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है,
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, ये देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, ये देखिए। तो बोन्स और कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पड़े हैं, जिनकी ओरिजिन मेसोडर्म्स से है और वो लिविंग है, ये हम कहना चाहते हैं आपसे। यस, यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन की है बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। तो आप यहाँ पर एक तरफ लिख लें कि बोन्स है ये, और दूसरी तरफ लिख लें कि कार्टिलेज है। ह्यूमन में अगर बात किया जाए तो एक सिस्टम लिखना है, हाइवर्सियन सिस्टम, हाइवर्सियन सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, हाइवर्सियन सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन बोन्स, हाइवर्सियन सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन बोन्स। ये देखिए ह्यूमन बेन्स में एक खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे हम लोग हाइवर्सियन सिस्टम कहते हैं, ये ह्यूमन बेन का बोन का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप बोन्स को देख रहे हैं तो ये हार्ड होती है, ये देखिए हार्ड होती है और इन इलास्टिक होती है, मतलब ये इलास्टिक नहीं होती है। इसका उल्टा अगर आप देखें तो ये प्लायबल होती है, मतलब लचीली होती है, और दूसरा उल्टा देखें तो इलास्टिक होती है। बोन्स और कार्टिलेज का पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ये जो डिफरेंस लिखा है मैंने, ये आपकी इस खूबसूरत एनसीईआरटी से लिखा हुआ है कि वो हार्ड है, इलास्टिक है, वो प्लायबल है, इलास्टिक है। दूसरा अगर आप देख रहे हैं डिफरेंस, तो ये देखिए ये बोन्स जो है इसमें डिपॉजिट है कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन मैट्रिक्स ऑफ बोन, कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन मैट्रिक्स ऑफ बोन, ये देखिए। यहां पर अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए कंड्राइटिन सल्फेट, कंड्राइटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज। मैं कार्टिलेज के अंदर कंड्राइटिन सल्फेट है, कार्टिलेज के अंदर कंड्राइटिन सल्फेट है, जबकि बोन्स के पास कैल्शियम है। ये डिफरेंस है दोनों में, आपको दोनों को सीखने हैं, समझने हैं। अगर आप डिफरेंस देखें तो ये जो बोन्स होती हैं, बोन्स आर वेल वेस्कुलराइज्ड, बोन्स आर, ये देखिए वेल वेस्कुलराइज्ड, बोन्स में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होती है, ये देखिए। लेकिन अगर आप कार्टिलेज में देख रहे हैं तो सीधा लिखिए कार्टिलेज आर ए वेस्कुलर, कार्टिलेज आर ए वेस्कुलर, ए वेस्कुलर मतलब इसमें ब्लड की सप्लाई ना हो, ये देखिए साफ साफ डिफरेंस है। और देखिए इसमें अभी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लैकुनी प्रेजेंट होती हैं, लैकुनी प्रेजेंट होती हैं, इसमें लैकुनी अब्सेंट होती हैं। यहां देखिए बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यहां पर ये अब्सेंट होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में लिख के, एनसीईआरटी ने केवल दो बातें लिखी हैं, दोनों का डिस्कशन मैंने कर दिया है कि बोन से हार्ड है, इलास्टिक है, इनमें कैल्शियम डिपॉजिट है, और कार्टिलेज जो है प्लायबल है, इलास्टिक है। ध्यान रखिएगा जितना भी इंडोस्केलेटन होता है वो लिविंग होता है, ध्यान रखना है आपको, और जितना एक्सोस्केलेटन होता है वो नॉन लिविंग होता है। आप देखिए जो नाखून वगैरह लिखते निकलते हो क्या है, एक्सोस्केलेटन है, जितनी भी ओरिजिन एपिडर्मिस से होती है सबके सब एक्सोस्केलेटन जो है नॉन लिविंग होते हैं, चाहे हार्ट में हो, चाहे हूफ हो, चाहे तो कुछ भी हो, क्लॉज हो, जितने भी स्ट्रक्चर हैं सबके सब नॉन लिविंग होते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इंडोस्केलेटन पढ़ना है, और इंडोस्केलेटन में केवल पढ़ना है बोन्स के बारे में।
तो आइए देखा जाए बोन्स के बारे में क्या क्या स्टडी करनी है ह्यूमन के फिजियोलॉजी में। आइए देखा जाए बेटा, आपकी जो बॉडी है वो जो उसका एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है। पूरी बॉडी जो है बोन्स पर टिकी हुई है, जिसपे आप चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, जहां से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बोन्स है। बोन्स के ढेर सारे काम है बॉडी में, लेकिन अभी हमें देखना है कि बोन्स बॉडी में कहाँ पे कैसे अरेंज है। तो अरेंजमेंट के आधार पर अगर बोन्स को देखें तो जो ह्यूमन स्केलेटन है इसमें टोटल 206 बोन्स है, मतलब 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, मात्र 206 बोन्स है। ये देखिए 206 बोन्स है, मतलब 206 बोन्स है ह्यूमन बॉडी में। अब आपको ये देखना है कि 206 जो बोन्स है इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो अगर आप इंडो स्केलेटन देखें, मान लीजिए आप ह्यूमन का इंडो स्केलेटन देखते हैं जो 206 बोन्स का बना हुआ है, तो ये दो तरह का इंडो स्केलेटन है। पहला जो इंडो स्केलेटन है उसका जो पहला पार्ट है उसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ये देखिए एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, इसके स्केलेटन कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ये एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स का बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सियल स्केलेटन की मीनिंग क्या हुई, तो ऐसा स्केलेटन जो बॉडी की मेन एक्सिस में है। अगर आपसे कोई पूछे एक्सियल स्केलेटन माने क्या हुआ, तो आप ऐसे फट से बोलेंगे कि एक्सियल स्केलेटन माने हुआ कि इसके स्केलेटन माने हुआ अरेंज्ड इन मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, अरेंज्ड इन मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। बॉडी के मेन एक्सिस में ये अरेंज होता है, इसीलिए इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। टोटल बोन्स कितने इसमें 80 बोन्स है। आप देखिए एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स 80 है। अगर आप इनका डिटेल देखें 80 बोन्स का, तो देखिए इसमें कौन कौन आता है। इस 80 बोन में सबसे पहला आता है स्कल। स्कल जो है इसमें 29 बोन्स है। ये देखिए स्कल मतलब ये हुआ कि हमारे धड़ के ऊपर, मतलब गर्दन के ऊपर जितना एरिया है वो सबका सब स्कल है। गर्दन के ऊपर जितना एरिया है सबका सब स्कल है, डिटेल पढ़ाऊंगा अभी आपको। फिर दूसरा देखें मल्टीपल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम हमारे बैक साइड में है। ये देखिए वर्टिबल कॉलम है, इसमें जो बोन्स है उनकी संख्या 26 है। ये मतलब पूरा सिर और पीछे वर्टिबल कॉलम 26 हो गई। ह्यूमन में रिब्स जो है वो 12 पेयर है। ये देखिए ये, और लास्ट में एक बोन है जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। ये देखिए स्टर्नम भी कहते हैं इसे, या इसे हम लोग चेस्ट ब्रेस्ट बोन कहते हैं, चाहे स्टर्नम कहते हैं और चाहे इसे हम लोग ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये सीने के बीचों बीच है, इसकी संख्या 1 है। इस तरह से अगर आप देखें तो टोटल ये 80 बोन्स हो गए। काउंट कर लिए 12 6 9, तो 12 पेयर्स का मतलब इसकी टोटल संख्या हो गई 14 × 2 = 24। आप काउंट करेंगे तो वही आएगा। हाँ अब देखिए, तो अगर आपको ये पता भी होगा तो आपको ये ऑलरेडी पहले पता ना कि ह्यूमन में 12 पेयर दो चीजें होती हैं। 12 पेयर दो चीजें क्या क्या होती हैं? 12 पेयर एक तो होती है क्रेनियल नर्व्स, चाहे आप यहां लिख लें, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 12 पेयर रिब्स होती हैं। ये एक खास बात है ह्यूमन के बारे में। ये देखिए, तो ये 80 बोन्स हैं जो बॉडी के मेन एक्सिस में हैं। कौन कौन है? पूरा सिर है, पीछे वर्टिकल कॉलम है, साइड में रिब्स हैं और बीच में स्टर्नम है। ये 29 बोन्स हैं जो बॉडी के मेन एक्सिस में अरेंज है, इसीलिए इनको हम लोग मेन एक्सिस में रहती है, इसलिए इनको हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन से अपोजिट है, मतलब उनसे थोड़ी सी आउटसाइड में है, उन्हें अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। ये देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। ये
ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इनकी टोटल नंबर 126 है, मतलब 126 बोन्स है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसमें अगर आप देखें तो दो तरह के बोन्स हैं, एक तो हो गई पिक्टोरल गर्डल। पिक्टोरल गर्डल कहते हैं हमारे शोल्डर वाले एरिया को, ये देखिए ये पिक्टोरल गर्डल है, ये जो एरिया है इसे पिक्टोरल गर्डल कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 2 × 2 = 4 बोन्स होंगे। ये कौन से दो बोन्स हैं, एक स्कैपुला है और दूसरी क्लेविकल है, दोनों तरफ दो दो हैं, इसलिए मैं लिखा 2 × 2 = 4 बोन्स हो गई पेक्टोरल गर्डल में। एंड लिख लीजिए यहां से हाथ निकलता है, बायोलॉजी को हाथ, बायोलॉजी की लैंग्वेज में हाथ को हम लोग फोर लिम्स कहते हैं। ये देखिए आपने गाना सुना होगा मेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां हैं, गाना बदल गया है मेरे हाथों में, ये देखिए मेरे हाथों में 30 हड्डियां हैं, गाना बदल गया है मेरे हाथों में 30 हड्डियां हैं, ये याद करना है आपको। तो फोर लिम्स जो है ये दो है, दो हाथ है, तो फोर लिम्स माने हाथ हुआ, 2 × 30 करेंगे ये देखिए 60 बोन्स हो गई। फोर लिम्स डिटेल में पढ़ा जाएगा, गाना मैंने लिख दिया है। दूसरा देखिए ये जो कमर है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल अगर आप इसमें देखें तो एक तरफ एक बोन्स है, दोनों तरफ दो बोन्स है, तो कमर में टोटल बोन्स दो है, ये देखिए। और कमर से निकलता है कौन, पैर में निकलता है, पैर को हम लोग फोर लिम्स हैंड लिम्स कहते हैं, ये देखिए हैंड लिम्स। हैंड लिम्स मतलब हुआ पैरों में भी 30 हड्डियां हैं, इस तरह से देखिए यहां पर भी 60 बोन्स हुए। गाना पलट दीजिए, मेरे पैरों में भी 30 हड्डियां हैं, तो पैर में भी 30 हड्डियां हैं, वहां पे 30 हड्डियां हैं, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई 60। अब पूरी बॉडी आपको दिख रही होगी, समझ लीजिए 29 बोन्स यहाँ पे है इस क्रेन स्कल में, यहाँ 29 बोन्स हैं, पीछे 26 बोन है, 12 पेयर यहाँ पे है, स्टर्नम यहाँ पे है, 30 बोन्स इसमें है, और ये कमर में जो है एक हड्डी है एक तरफ, दोनों तरफ दो हड्डियां हैं, और पैर में भी 30 हड्डियां हैं। इस तरह से देखिए तो टोटल 206 बोन्स जो है, जो एंडोस्केलेटन है, जो हमारा जो बोनी एंडोस्केलेटन है, बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, इसके दो डिवीजन हो गए, ये मेन एक्सिस में है इसीलिए इसको एक्जियल स्केलेटन कहते हैं, जो मेन एक्सिस में है बॉडी की, जो मेन एक्सिस में है ये नहीं है, ये मेन एक्सिस में है इसीलिए इसको एक्जियल स्केलेटन कहते हैं, और जो मेन एक्सिस को छोड़ के है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें हैं, पेक्टोरल गर्डल है ये यहाँ शोल्डर का, पेल्विक गर्डल है कमर का। अगर आपको पेल्विक गर्डल नहीं आता है तो आप यहाँ कमर लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा, कमर नहीं ये कमरा है, और ये है शोल्डर पॉइंट, और ये हाथ है ये पैर है, तो हाथ पैर में 30 हड्डियां टोटल 120 यही हो गई, और कमर जो शोल्डर पॉइंट वहां पर 4 बोन्स है और कमर में 2 बोन्स है। इस तरह से आप देखिए टोटल 206 बोन का ये ढांचा है जिसपे हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, बॉडी चल रही है, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे फंक्शन है बोन्स के, धीरे धीरे सीखेंगे, पहले आइए काम की बात करते हैं।